अच्छा जी, ताशकंद से समरकंद पहुंच गए। ये नॉर्मल ट्रेन थी, तकरीबन 4.25 घंटे इसने लगाए समरकंद रेलवे स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम, यह है ताशकंद जनूबी रेलवे स्टेशन, यहाँ से मैं जा रहा हूँ समरकंद। ये ट्रेन की टिकट मुझे पड़ी है तकरीबन 22 दिरहम या 24 दिरहम में, ठीक है। और ये लगाती है 3 घंटे 30 मिनट ताशकंद से समरकंद जाने में। ये थोड़ी लोकल टाइप की ट्रेन है, जाते हुए मैं बुलेट ट्रेन पे गया था, तो नाइट की जर्नी है। मैं रास्ते में से तो आपको कुछ भी नहीं दिखा सकता, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये ताशकंद जनूबी रेलवे स्टेशन है, ये याद रखें। और ये थोड़ी नॉर्मल ट्रेन है, इसमें एसी वगैरह नहीं है, लेकिन आवाम बहुत खूबसूरत बैठी हुई थी मेरे साथ, इसलिए मेरा सारा सफ़र बहुत मज़े में गुजरा। अच्छा, यहाँ पे दो स्टेशन है, एक ये ताशकंद जनूबी है और एक दूसरा स्टेशन था ताशकंद का जो मेन स्टेशन है, जिस पे पहले मैं गया हूँ समरकंद से ताशकंद। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, क्योंकि ये थोड़ी नॉर्मल ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन नहीं है। तो ये ताशकंद जनूबी से चलती है, तकरीबन 10 मिनट दूर है एक दूसरे से ये स्टेशन बाई कार। तो इस पे अभी चलते हैं, आपको रास्ते में से तो कुछ भी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये नाइट जर्नी है। और ये ट्रेन लगाती है तकरीबन 3 घंटे और 20 मिनट। ये ट्रेन बाहर से बहुत खूबसूरत है, अंदर से टोटल लोकल टाइप की है, लेकिन यह है कि आपके आसपास बहुत खूबसूरत आवाम बैठी होती है, तो आपका सफ़र बहुत अच्छे से गुजर जाता है, जैसे मेरा गुजरा। सो ओके, थोड़ा सा टाइम से लेट लेके आई है, तकरीबन 12 मिनट, इतना बनता भी ऐसी ट्रेन का। बुलेट ट्रेन तो बिल्कुल टाइम पर लेके आ गई थी, और हम पहुँच गए समरकंद रेलवे स्टेशन। ये बिल्कुल जैसे हमारी ट्रेन है उसकी तरह थी, ऐसे गया था मैं, इधर से अभी वापस आया हूँ। आज के अंदर समरकंद पहुँच गया हूँ तकरीबन 4.25 घंटे में। ये ट्रेन तकरीबन टाइम से 10 या 15 मिनट लेट आई है, क्योंकि ये बुलेट नहीं थी। समरकंद रेलवे स्टेशन जी, ताशकंद से समरकंद पहुंच गया। ये नॉर्मल ट्रेन थी, तकरीबन 4.25 घंटे इसने लगाए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। 25-26 दिरहम का इसका टिकट था, मैं एग्जैक्ट प्राइस लिख दूंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ अपना हॉस्टल ढूंढने, क्योंकि कल का दिन गुजारना है समरकंद में, तो कल आपको समरकंद दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव एंड पीस फॉर एवरीवन। ट्रेन में बहुत मज़ेदार सिस्टम था, लेकिन आमने सामने सारी फैमिलीज बैठी हुई थी, और इसलिए मैंने वो वीडियोज़ नहीं बनाई, क्योंकि मैं अभी इन चीज़ों में पढ़ा नहीं हूँ।